ऐसा भारत मेरी जान के एक और जबरदस्त ताजा तरीन और नेक्स्ट लेवल के धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरि, और भाई आपका अपना हरि और आपके अपने हरिया की हरी डिफेंडर पहुंच चुके हैं नागपुर, और हम यहां पे आए आपको दिखाने बहुत ही जबरदस्त चटाके, स्वाद और जायके। और भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आ जाओ मेरे साथ एंड तक वीडियो में बने रहना, आपको बहुत मजे आएंगे और जो भी आप खा रहे हो उसका स्वाद दुगना हो जाएगा। अभी हम आ गए एक बहुत ही स्पेशल जगह पे, जहाँ पे देखो लाइन तो पहले आपको समझ में आ जाएगा कि कितना प्यार करते हैं नागपुर वाले यहाँ पे। भैया नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? सब बढ़िया भैया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। सबसे पहले ये बताइए, यहाँ पे इतनी लाइन जो है किस चीज के लिए लगी है? सिर्फ दाल रोटी चावल के लिए। दाल रोटी और चावल के लिए इतनी लंबी लाइन? सर ऐसा क्या खिला रहे हैं यहाँ पे, लोग शौक से खा रहे हैं? बस भैया हम तो नॉर्मल दाल चावल खिलाते हैं। बढ़िया। अच्छा, लोग खाते हैं शौक से? जी नॉर्मल दाल चावल सर उतने नॉर्मल नहीं है, मैंने सुना है बहुत कुछ उस पे आप मेकअप करके देते हैं। बस वो बटर में मेकअप करा जाता है। बटर में मेकअप किया जाता है। कितना मक्खन डालते हैं सर एक दाल की प्लेट में? एक प्लेट में तो नहीं, बट दो बटर में 10 दाल कम से कम बनाते हैं। दो बटर में 10 दाल? 10 प्लेट दाल। सर बना के दिखाएंगे? बस बनाएंगे भी पाँच जी। ये तो वाकई सिंपल। अरे भाई ये तो उबली हुई दाल है, एक बार चला के दिखाइए सर। ये तो प्लेन सिंपल दाल है, एकदम चने की दाल है। तुअर चना मिक्स। तुअर और चना मिक्स दाल है। और इधर क्या है सर? बस बाकी कुछ वो पूरे खाली हो गए। दाल ही है? क्या बात है। सरदार जी आप हैं कहाँ से? ऐसे नागपुर से ही है? क्या बात है यार। ये देखिए अभी आपको दाल दिखाते हैं स्पेशल वाली, जिसके लिए ऐसे लाइन लगती है। भाई कभी नहीं देखा होगा कि दाल खाने के लिए लोगों की लाइन जो है वो लगी हुई। ये बटर है, अमूल बटर। ये अमूल बटर की दो टिक्कियां जो है वो भैया ने सामने रखी है, और इसके लिए जो है भीड़ लगी है। 10 प्लेट दाल बनेगी इसमें? हाँ भैया, एक बार में 10 प्लेट दाल बनेगी। और भाई दो अमूल की टिक्कियों से शुरुआत करके, और ये साथ में आ गया जी प्याज, थोड़ा मोटा कटा हुआ डाइस अनियन जिसको हम अंग्रेजी में बोल देते हैं। और ये इधर देखिए दो बड़े बड़े टमाटर जो है वो उठाए हैं, और इनको भी बीच में ही डाइस कर दिया जाएगा। सर ये कितना पुराना ढाबा है? 51 साल से। अरे भाई क्या बात है। तो सरदार जी ने शुरू किया था? पापा लोगों। अच्छा, यहाँ पे ढाबा चालू किया, तीन आइटम, और तीन आइटम में ही लोगों की लाइन लगा दी आपने। ये देखिए अभी फिलहाल मक्खन में टमाटर और प्याज आपको नजर आएगा, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा प्याज भी, टमाटर भी और मक्खन भी। और भाई यहाँ पे जो माहौल है ना, जो भीड़ है वो बताती है कि नागपुर वाले बहुत पसंद करते हैं। ये क्या डालने वाले? लाल मिर्च। अच्छा, ये लाल मिर्च है? ये गुंटूर वाली है कश्मीर वाली है? नहीं ये यहाँ की है। यही की है? कश्मीर वाली है। ये देखो भर भर के भाई लाल मिर्च डाल दी है, कमाल। सर ये रंग के लिए या तीखापन भी आएगा? तीखापन भी रहता है। तीखापन भी आएगा? महाराष्ट्र वाले बहुत तेज खाते हैं। अरे वाह। और इधर से देखो भाई अब दाल आएगी, ये देखिए वाह क्या बात है भाई। दाल की जो खुशबू है ना वो बड़ी कमाल है सर। इसमें चना और अरहर की दाल है, और उबाल के रखी है ताकि जैसे ही ऑर्डर आए तो दो टिक्की मक्खन, थोड़ा प्याज और टमाटर डाल के ये रेडी। साहब ये तो पैन पूरा जो है वो लाल रंग में रंग गया है, मिर्ची मक्खन प्याज टमाटर और दाल। और ये भी एक चीज और बताइए, नीचे भट्टी किस चीज की है? कोयले की है या क्या है? कोयले की भट्टी है। तो जो स्वाद है, जो जायका है, उसका सीक्रेट मुझे लगता है कोयले की भट्टी है ना। कोयले में खाना बहुत अच्छा बनता है। जी जी जी, धीमी आंच पे या तेज आंच पे भी कोयले की जो भट्टी है ना उसका कमाल ही अलग है। दाल में तो एकदम बढ़िया रंग आ गया यार। ये वैसी दाल है जिस दिन मम्मी आपके रिजल्ट से खुश होती है ना, तो ऐसी दाल बनाते है फिर उस दिन, है ना? अच्छा, जब अच्छे मार्क्स आए होते हैं। पास हो जाए तो कम मिर्ची में रहेंगी जी, फेल हो गए तो और तेज हो जाएंगे। और पापा अगर लेट आए तो लाल मिर्च और बढ़ जाएगी। वो भी है। भी आपकी दाल जो है ये बनके तैयार, अब 5 प्लेट जो है उनको पहले सर्व किया जाएगा, और इसके बाद 5 प्लेट या 6 प्लेट जो है वो दोबारा से डाली जाएंगी। एक बार में एक पैन पे 10 प्लेट्स बनती है ना भैया? 10 प्लेट। भैया जितना मक्खन डालना था डाल दिया कि अभी और भी डालेंगे? नहीं अब बटर नहीं, अब और नहीं। बटर पहले बनते टाइम ही उसको मैरिनेशन में डाल दिया जाता है। जी जी जी, ऊपर से डालेंगे तो फिर वो कच्चा रह जाता है। जी भैया आपके हिसाब से जो भीड़ है उसका कारण क्या है? अच्छा स्वाद लगता है। जी जी जी, तो आते हैं लोग सबसे। जी सरदार जी कह रहे हैं लोगों को दिल से स्वाद लगता है इसलिए आते हैं, और कोई कारण नहीं है। नमक भी वही है, दाल भी वही है, और मिर्ची भी वही है। सबके सामने ही है। जी वही है, ऐसा नहीं कि सीक्रेट मसाला है। तो ये दाल रेडी है, ब्राउन राइस अभी बनने वाले, आपको ब्राउन राइस दिखाते हैं। उसके बाद सरदार जी देखो पीछे जो है वो तंदूर में रोटियां लगा रहे हैं। ये बन रहे जी ब्राउन राइस, और भाई शुरुआत जो है ना सीधा अमूल मक्खन की टिक्कियों से ही करते हैं, और भाई डायरेक्ट चालू ही काम जो है
पैन के अंदर दो अमूल मक्खन की टिक्कियां, ये पाइया पाइया की है सर? 100 ग्राम वाली है। 100 ग्राम वाली है, अच्छा पाइया पूरी। अच्छा पाइया पूरी होगी। ये भाई साहब 100-100 ग्राम वाली है, पाइया पूरी हो गई है। और टमाटर जो है उनको छोटे पीसेस में काट के, एक तरफ तो टमाटर है और एक तरफ प्याज आ गए, और इनको डाइस किया है, थोड़े बड़े पीसेस हैं ताकि जब आप बाइट लो तो मुंह में आए इसका स्वाद और मजा आए। मक्खन देखो अच्छे से जो है मक्खन को इन्होंने पिघला लिया है और एकदम बढ़िया रंग आ गया, खुशबू आ गई है मक्खन की। सर ये कितनी पुरानी रेसिपी है आपकी ब्राउन राइस वाली? 25 साल। भाई साहब 25 साल से ब्राउन राइस यहाँ पे ऐसे बेच रहे हैं, और मक्खन मतलब एकदम पानी बन गया मक्खन का। ये आ गया जी प्याज, और ये साथ में टमाटर। और भाई साहब ये है स्टीम्ड व्हाइट राइस। सर ये कौन से वाले? व्हाइट राइस नॉर्मल एचएमटी गोल्ड को है। एचएमटी गोल्ड, ओके। कौन से राइस बोलते हैं इनको यहाँ पे? जय श्री राम। जय श्री राम, सही है। और इसके साथ ये आ गया जी हरिया धनिया। जो ब्राउन रंग है वो मक्खन का है, मक्खन का ब्राउन रंग है भाई, इसीलिए ब्राउन राइस है। और ये अब और राइस तो भर भर के, और अभी इसकी प्लेट जो है ये लग जाएगी। हर प्लेट में ये कितने के रहते हैं सर? 100 रुपए प्लेट दाल, 100 रुपए प्लेट चावल। 100 रुपए प्लेट, अच्छा 10 की एक रोटी, 100 की दाल, 100 के चावल, और मक्खन दोनों चीजों में भाई साहब भर भर के। दारजी आप जो तंदूरी रोटियां लगा रहे हैं इसमें आटा यूज करते हैं, मैदा यूज करते हैं? आटा प्योर आटा है, प्योर नहीं मगर थोड़ा बहुत रहता है। जी 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 जी, बढ़िया माहौल में सरदार जी यहाँ पे तंदूरी रोटियां बना रहे हैं। इतनी प्रैक्टिस है आपकी और इतना हाथ बढ़िया चलता है कि लगातार आप रोटियां जो है वो बना रहे हैं और यहाँ रख रहे हैं ना। ये देखिए ये रोटियां बन के तैयार, बहुत बढ़िया जबरदस्त। अपनी लोकेशन और टाइमिंग्स बता दीजिए, कहाँ पे ढाबा और टाइमिंग्स क्या है आपकी? हमारा टाइमिंग सुबह 12:30 से लेके 4:30 बजे तक इवनिंग ही रहता है। ठीक है। और लोकेशन है ओल्ड भंडारा रोड सतरंगीपुरा नाका। ठीक है जी। और 100 रुपए की दाल, 100 रुपए का राइस और 10 रुपए की रोटी पर प्लेट। परफेक्ट। तो भाई साहब ये है आज का हमारा स्वाद वटांदरा। सबसे पहले तो मक्खन की वजह से जो दाल है ना उसकी कंसिस्टेंसी देखो, एकदम सब्सटेंशियल हो गई है, और दाल के ऊपर मलाई आ गई है भाई, इतनी ज़बरदस्त है ये। और इसके साथ ही एकदम करारी आवाज़ें मारती हुई तंदूरी रोटी है, इसको हम यहाँ पे डिप करते हैं इसके अंदर। ओहो, क्या बात है भाई। श्योर इस भाई ये लिटरली ऐसी है जैसे जब घर पे मम्मा आपसे आपके रिजल्ट से बहुत खुश होते हैं ना, तो ऐसी दाल बनाते हैं, मजेदार गाढ़ी वाली, बहुत ज्यादा कमाल है। और जो मक्खन डाला है भाई, एक पैन में 2 टिक्कियां मक्खन की, फिर दाल बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे नागपुर में बहुत फेमस है, आप यहाँ पे आके ट्राई करो भाई, आप बोलोगे हरिया भाई तो कमाल है। भैया हमें रास्ते में चलते हुए मिल गए, भैया नमस्कार। भैया जेठालाल ये कैसे? आप जेठालाल के फैन हैं? अरे वाह, और क्या बनाते हैं आप? फाफड़ा जलेबी। अरे वाह, जेठालाल की फेवरेट फाफड़ा जलेबी। भाई साहब हमें यहाँ पे भैया जो है पार्किंग लगवाने आए थे, मैंने सोचा यहीं से शुरू कर लेते हैं। भैया आपका नाम क्या है? भावेश दोषी जी। और आप इधर से ही हैं? नागपुर से ही हैं। बिलोंग गुजरात में? कहाँ से? गुजरात के जेतपुर करके है। हाँ जी जेतपुर। जेतपुर, और आप जो हैं बहुत बड़े फैन हैं? यहाँ 50 साल हो गया हमको जी, नागपुर में जी। और जो अपनी पार्ट है जी उसको 40 साल। अरे वाह। मम्मी पापा ने स्टार्ट किए थे जी, और अभी पापा के जाने के बाद मैं और मम्मी दोनों मिलकर समझ। अरे वाह। तो सर मुझे एक चीज बताइए कि जेठालाल के फैन आपके फैमिली में भी है सारे? नहीं मैं अकेला ही। आप अकेले हैं? देखते था वो ये पर जी, जैसे भी जस्ट भैया का फोन आया तो खाना खाने बैठा था। अच्छा। तो अभी वही सरदार जी वाला एक एपिसोड चालू था, वही देखते रहते। अरे वाह, खाते रहते। जी जी जी। तो आइए सर हमें भी दिखाइए और खिलाइए और साथ में जेठालाल की बातें करते हैं।
भाई साहब आपने दुनिया में बहुत बड़े बड़े फैंस देखे होंगे सेलिब्रिटीज के, बट यहाँ पे एक भैया है जो अपने स्टॉल के ऊपर जेठालाल जी की लिटरली सब जगह फोटो लगा के बेचते हैं। और क्या बेचते हैं सर? फाफड़ा और जलेबी, खांडवी जी, और कोकोनट पैटिस। अरे वाह, तो आप जेठालाल जी के फैन है? जी भैया। कब से फैन है आप उनके? ये तो बीएम में पहले एपिसोड से देखा हुआ है। पहले एपिसोड से? तो अभी कितने एपिसोड होने वाले हैं? अभी पूरे मंडे को 4000 पूरे एपिसोड हो जाएंगे। 4000 एपिसोड होने वाले हैं, और मतलब अपनी जिंदगी के आपने 4000 दिन उनको दिए दिए बिल्कुल। अरे भाई, और आगे भी देना चाहेंगे। क्या बात है। तो सर, ये उनसे प्यार कैसे हुआ, उनसे मोहब्बत कैसे हुई? सर कैसा है ना, उनका जो जब सीरियल देखते हैं अपन, अगर आप भी देखते होंगे तो एक चीज है कि आदमी उतनी देर पता है कि पूरा टेंशन फ्री हो जाता है। जी जी। फिर दूसरी चीज ध्यान में ही नहीं रहती जी। और हमारे जीवन में इसीलिए पता है कि हम लोग हंसते रहते हैं जी, कोई टेंशन नाम की चीज ही नहीं है जी। रोज खाओ, रोज खिलाओ और रोज सो जाओ। तो मतलब जो टेंशन फ्री कर देते हैं वो अपने परिवार वालों को, उसकी वजह से आप उनके दीवाने हैं। बिल्कुल। बहुत कमाल। ना हम LIC में विश्वास करते, ना LIC है, ना मेडिक्लेम है, कुछ भी नहीं है, बस जेठालाल है। क्या बात है, ना कोई इंश्योरेंस है, ना कुछ मेडिकल है, सब जेठालाल है। कुछ नहीं। क्या बात है। और ये आप क्या बना रहे हैं अभी? ये भी फाफड़ा बनेगा। अच्छा, फाफड़ा बना रहे हैं। इसमें क्या क्या रहता है सर बैटर में? बेसन रहेगा, नमक रहता है, पापड़ का खारा रहता है और अजवाइन रहता है। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से बढ़िया जी, और माता अन्नपूर्णा का एकदम आशीर्वाद है। तो कैसा कुछ टेस्ट इतना जबरदस्त बन जाता है। तो सर, बना किसके लिए रहे हैं? जेठालाल जी के बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? एक ग्राहक है ना, जेठालाल जी के दीवाने बहुत है भी है नागपुर में। अच्छा, नागपुर में बहुत सारे दीवाने बहुत है। बहुत बढ़िया। तो इतने सालों से आप उनके फैन हैं, कभी मिल भी चुके हैं उनसे? हाँ, मिल चुका हूँ, दो बार मिल के आया हूँ। अरे वाह। एक बार उनके बर्थडे में जाने का सौभाग्य मिला था जी जी जी, और एक बार वो खुद नागपुर में आए थे तो तब मिले। अरे वाह। तो दो बार आप उनसे मिल भी चुके हैं, और उनको अपना आपने फाफड़ा खिलाया है? हाँ, मैंने दिया था उनको। अरे वाह। तो स्टेज पे ले जाके जी, तो उनने रख लिए थे जी जी जी। तो आप जब उनसे मिले, इतनी क्या उनकी पर्सनैलिटी में आपको खासियत लगी कि आप उनके दीवाने और ज्यादा बढ़ गए, और अभी तो उनकी टी शर्ट पहन के बनाते हैं? बातचीत करने में बहुत सही इंसान लगे जी, अच्छे से मेरे से बातचीत किए, कम से कम 1-1.5 घंटा सब चीज पूछे। अच्छा। क्या करते हो, कैसे हो जी, क्या करना चाहिए जी, जी, जी। सब बताया उन्होंने। अच्छा। उन्होंने भी वही बोला कि बोले सब चीज भगवान पे छोड़ देना चाहिए जी, सिर्फ तुमने काम करना है और कुछ नहीं। क्या बात है। उन्होंने भी आपको यही चीज बताए थे? जी जी जी, कि आप भगवान के ऊपर छोड़ के काम कीजिए, बिल्कुल, और मेहनत कीजिए और आप सक्सेसफुल होंगे। बहुत बढ़िया सर। ये खांडवी है, ऑथेंटिक खांडवी, ताजी रहेगी मेरे वहाँ। ये खांडवी कुछ जो कुछ है, ये समय में बनते रहती है। अच्छा। ये कंटिन्यू एक साथ बना के नहीं रखते जी जी जी, हर आधे आधे 1-2 घंटे में फ्रेश आती रहती है, जैसे खत्म होगा वैसा बनाना। और ये बनाता कौन है सर? ये मम्मी है और वाइफ है। अच्छा, आपके माता जी और आपके जो वाइफ है वो बनाते हैं? वो बनाते हैं। बहुत बढ़िया, उनका ही पूरा सपोर्ट है। तो अभी अपन सब चीज हंसी खुशी से कर रहे हैं। कमाल है सर। तो जो देखने वाले हैं, जो परिवार वाले हमारे भी हैं, वो भी जेठालाल जी को बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को हर महीने मुंबई बुलाइए और सिर्फ एक बार मेरे से मिल लीजिए। वाह, और कुछ क्या बात है। अभी आप ये फाफड़ा जो है वो फ्राई करने वाले हैं जी, तो मैं उधर आ सकता हूँ? आ जाइए भाई साहब। ये देखिए, फाफड़ा जो है फ्राई होने वाला है, और जेठालाल जी का फेवरेट फाफड़ा यहाँ पे नागपुर में आपको मिल जाएगा। और भैया, आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें जेठालाल जी की इतनी बढ़िया झलक आती है कि मैं आपसे आपका नाम ही पूछना भूल गया। आपका नाम क्या है सर? भावेश दोषी। भावेश दोषी जी है यहाँ पे, जो के भाई टी शर्ट पहन के जेठालाल का फेवरेट जो फाफड़ा जलेबी है वो बनाते हैं। तो जलेबी किधर है सर? जलेबी नीचे रखना पड़ता भी है। अच्छा, वो थोड़ा मक्खी से बचाने के लिए। हाँ, बिल्कुल, मक्खी मच्छर से बचाने के लिए जलेबी अंदर रखी जी। आप कह रहे थे कुछ? मंगोगे तो सब मिलेगा जी, ऐसा है। हाँ, देखोगे तो कुछ नहीं दिखता है जी, मंगना पड़ेगा। तो आपने क्या मांगा? नहीं, जैसे जलेबी वगैरह जी नीचे रहती है जी। अच्छा, मुझे लगा शायद भगवान से मांगने की बात। भगवान से मांगने की जरूरत ही नहीं रहती भैया जी, उतना समय भी नहीं है। हाँ, मांगने के लिए। ये देखिए, फाफड़ा जो है वो तो हो रहा है फ्राई, और इसको फ्राई करने का ना एक टेक्निक होता है भाई। अगर आप पहली बार फाफड़ा बनते हुए देख रहे हो तो इसको खींचना पड़ता है, और फिर चक्कू से इसको ऐसे उठा के और फिर इसको फ्रायर में डालते हैं। स्टील की ट्रे में आपको पूरे इंडिया में कोई नहीं बना के खिलाएगा जी जी जी, वो लकड़ी पे बनाते हैं। बिल्कुल, अपन ने थोड़ा उनके हिसाब से सबके लिए हाँ अच्छा और स्वच्छ करने की कोशिश करते हैं भैया जी जी जी, जितना हो सके जी। ये देखिए, एक आटा जैसे उसको गोंद लिया है, आटे को गोंद के, और फिर इसको ये देखिए, ये इसको खींचते हैं। तो सर, गुजराती लैंग्वेज के हिसाब से क्या कहते हैं, खींच के बनाना? हाँ, खींची ने बनाऊं। खींची ने बनाओ बनाओ सही है।
अभी एक और बना के दिखाइए सर। हाँ बिल्कुल, फ्रेश फाफड़ा यहाँ पे जैसे ऑर्डर आता है आपको तो फ्रेश मिलेगा, बना के रखा हुआ कम है, फ्रेश सर्व करने वाला ज्यादा है। दिखाइए सर एक और, ये देखिए, ये खींच के पूरा दम लगा के और फिर इसको चाकू से उठा के और सीधा कढ़ाई में डालते हैं। 15 साल कंटिन्यू हो गए। अच्छा, मम्मी पापा ने चालू किए थे 40 साल पहले। अच्छा, पहले मम्मी पापा बनाते थे, मैं साइड में खड़े रहता था। अच्छा, अभी पापा तो ऑफ हो गए, तो मैं और मम्मी मिलके बनाते। जी जी जी, मैं 15 साल से कंटिन्यू बना रहा भैया। अच्छा, तो 15 साल से तो आप कंटिन्यू बना रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है। आपको हमेशा मैं जेठालाल के टी शर्ट में मिलोगे। अच्छा, मेरे पास कम से कम अभी 45 टी शर्ट हो चुके हैं। जी, अरे भाई 45 टी शर्ट रखते हैं और आगे अपने को 365 टी शर्ट करना है भैया। अरे वाह, ताकि पूरा साल अलग अलग टी शर्ट आए। कि अगर आप कभी दूसरी बार आओ जी तो ये जो टी शर्ट है आपको सीधा अगले साल ही मिले। तो डेट याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, आपके माताजी जो है वो क्या कहते हैं आपका इतना प्यार देख के जेठालाल के लिए? बस वो भी सपोर्ट करते ना जी। वो दूसरे सीरियल नहीं देखते मेरे चक्कर में, वो भी जेठालाल ही देखते। आपने उनसे पूछा है कि कुछ और देखना चाहते हैं? नहीं, उनको भी अच्छा लगता है। आप भी जेठालाल जी को देखना चाहते हैं? एक ही देखते। माता जी तो हमेशा सपोर्ट करते हैं यार, बच्चे को तो हमेशा माँ सपोर्ट करते ही है। बिल्कुल, बहुत उन्हीं से सीखे हुए भैया अपन। वाह वाह वाह, और उन्होंने कैसा मेंटेन करके रखा है जी, तो चला पा रहे जी। इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि उन्हीं का टेस्ट मिलता है, इसलिए ग्राहक शिकायत भी नहीं करता है। तो वैसे फेमस तो ये आपके पिताजी का और आपके माताजी का? हाँ, बस उन्हीं का है, अपन चला रहे। सर एक बार अपनी लोकेशन जो है वो प्लीज बता दीजिए कि कहाँ पे आप खड़े हैं। रामानुज फाफड़ा वाला, ये आता है ये इतवारी सिटी पोस्ट ऑफिस, धारस्कर रोड। अच्छा, रूपम कलेक्शन के अपोजिट में जी। और अगर यहाँ कहता थोड़ा ढूंढना पड़ता है हमको। अच्छा, ढूंढोगे तो भगवान मिलता तो हम भी मिल जाएंगे। क्या बात है। और टाइमिंग क्या है सर? टाइमिंग 9:30 से 8:00 तक जी। और जलेबी का कैसा है भैया? थोड़ा कभी कभी जलेबी जल्दी खत्म हो जाती है। अच्छा, बाकी सब चीज हम लोग अवेलेबल करा के देखते हैं। बहुत बढ़िया। और सर वो भी रखते हैं आप जो कच्चा पपीता होता है, सलाद? हाँ बिल्कुल, सब मिलेगा भैया, पूरा ऑथेंटिक ही मिलेगा भैया। क्या बात, नागपुर में फाफड़ा उस टाइम में पता भी नहीं था लोगों को जब मम्मी और पापा ने स्टार्ट किए थे। वाह, ये खांडवी जो है ये भी आपको बहुत कम जगह मिलेगी नागपुर। जी जी जी, सही बात। सिर्फ हम लोगों ने यानी चालू किए, फिर लोगों ने फिर कॉपी की है बहुत से लोगों ने। देखिए यहाँ पे आपको फाफड़ा एक प्लेट लगा के दिखाइए ना सर। एक फाफड़ा जलेबी की एक प्लेट लगा के दिखाइए और हम लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। ये बन रही है जी खोपड़ा पैटिस, और भाई पूरे इंडिया में बहुत कम जगह आपको मिलेंगे। एक बार इनकी शक्ल दिखाइए सर, मुंह दिखाई कर लीजिए। ये देखिए, अरे वाह भाई, 1100 का सेवन डाल दो सबको इस वीडियो को लाइक करके। ये देखो क्या बात, ये अभी प्लेट लगने वाली है। भैया ने बढ़िया बढ़िया फाफड़ा जो है वो हमारे लिए चूज कर लिया है, जो अच्छे अच्छे पीसेज है, करारे करारे है ना भैया? नहीं, पूरी अच्छे रही, पूरे अच्छे हैं। हाँ, बाकी कस्टमर को भी बताना है ना? नहीं, बताना नहीं, जो है वो है। मजाक कर रहा हूँ। ये आ गया हींग, इसमें ये आ गया हींग, हींग पाउडर। अरे वाह जी, इसके साथ ये मिर्ची आ गई, काफी तेज रहती है जी। इसको हम पोपट लाल बोलते हैं। पोपट लाल कहीं अगर ज्यादा खाओगे ना तो दुनिया हिल जाती है। क्या आएगा? दुनिया हिल जाती है, दुनिया हिल जाती है, सही है, ज्यादा खाने पे। जी जी जी, हिसाब से खाओगे सब बढ़िया रहेगा जी। उसके बाद अरे वाह, साथ में एक अच्छा पपीता, इसको क्या कहते हैं सर गुजराती में? ये पपीता नु संभार। पपीता नु संभार, संभार, सही है, बहुत बढ़िया। ये देखिए भाई, भाई साहब, ये जेठालाल की फेवरेट फाफड़ा जलेबी। ये देखिए, ये है आज का हमारा स्वाद बटांदरा जेठालाल का। ओ हाथ लगाए से टूट रहा है यार, क्या बात है। ये देखो, ओ भाई एकदम सॉफ्ट है। तो हम क्या करते हैं, ये पपीते वाली चटनी जो है इसके साथ, और साथ में ओए सॉरी, हाँ कैमरा और इसको ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट ये चटनी है जी और साथ में हरी चटनी है। एंड भाई साहब, हियर इज अ बाइट। साथ में पोपट लाल, एकदम जेन्युइन फ्लेवर्स हैं, एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है अहमदाबाद में खड़ा हूँ और फाफड़ा जलेबी खा रहा हूँ, इतना स्वाद है भाई, कमाल, मज़े आ गए। और जेठालाल जी, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपके सबसे बड़े फैंस हैं, हम आज मिले, बहुत मज़ा आया। और ऐसे ही आप बढ़िया बढ़िया काम करते रहिए भैया। कितने एपिसोड होने वाले? 4000। और आपने गिन के रखा है? वो किधर है, फोन में दिखाइए।
भाई ये देखो 4000 एपिसोड। अच्छा आप ये भी सेलिब्रेट करने वाले हैं? टी शर्ट बनवाएंगे? बन गई है। वाह, वो वहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे पर करता हूँ। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सर। इसमें भी बनाया था मैंने संक्रांति के दिन जी पूरी पतंगे वाली टी शर्ट बनाया था। अच्छा, उसका मैंने डाला। बहुत कमाल है सर, मजा आ गया आपसे मिलके।